तो डफरल फैमिली, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रिसाइकलिंग सेंटर सिमुलेटर के एक और मज़ेदार गेम प्ले वीडियो में। और भाई लोग, जिन लोग भी मेरा पिछला एपिसोड देखा है उन लोग को पता होगा कि पिछले एपिसोड में भाई मैंने ये जो पेपर मशीन है इसका पेपर रोल वाला भी मशीन एक तो पीछे में परचेस कर लिया था। और यहाँ पर मैंने एक वर्कर हायर किया था अपना, जो सामान वामान जो है कचरा बिन के लेके आता है, मतलब कचरा उठा के लेके आता है, और इसको हम यहाँ पर देते हैं और यहाँ से ये शॉर्टिंग करता है। ठीक है, तो ये वाला जो हम लोग ने एक वर्कर अपना हायर कर लिया था और मशीन एक मंगाई थी, तो आज का जो हमारा टास्क रहेगा वो हम अपग्रेड्स करेंगे कुछ कुछ। और अभी इस टाइम में मेरे पास में $536 है और हमारा डे 13 चल रहा है और हमारा जो शॉप का रेपुटेशन लेवल है वो 8 रेपुटेशन लेवल चल रहा है। और भाई मैंने थोड़ा बहुत ऑफलाइन खेल के ना यहाँ पर हल्की बहुत थोड़ी बहुत भाई सामान इकट्ठा किया है। जैसे देखो यहाँ पर मेरे पास में मेटल पूरे कितने पड़े हुए दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर 114 मेटल ये है, फिर 59 है, फिर 41 है, लगभग 200 केजी के आसपास मेटल पड़ा होगा। उसके बाद में 122 अपने पास में ग्लास है, 122, 39 और फिर 54। भाई ये सब इतना कुछ मैंने जो ऑफलाइन है वो ऑफलाइन बैठ के खेला और पूरा इकट्ठा किया। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे और सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे और धीरे धीरे उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ना जितने भी अपने पास में माल पड़े हुए उनसे बना बना के उनको कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा कंप्लीट करते जाएंगे। तो अभी मेरे पास में ना नया एक कॉन्ट्रैक्ट आया था कॉन्ट्रैक्टर, ये वाला जो है ना इको ब्लेंड करके ये अनलॉक हुआ था। तो इसका मुझे क्या क्या करना है देख, ये पेपर रोल 30 पेपर रोल मंग रहा है और ये मेरे को $812 देगा, सही है। और ये भी 30 रोल मंग रहा है पेपर के और ये $721 देगा। और इसी में साथ में क्या प्लास्टिक बॉटल्स भी मंग रहा है। भाई प्लास्टिक बॉटल बनाने के तो अपने पास में कोई जुगाड़ नहीं है अभी। और ये 54 प्लास्टिक की वो मंग रहा है और उसके लिए मेरे को $445 देने वाला है ये। तो पहले हम 30 पेपर रोल का देखते हैं भाई, पेपर रोल का कैसे बनाएंगे। और हाँ एक मिनट, मेरे पास ना बार्गिन का स्किल भी अनलॉक हुआ है, मैं बार्गिन का स्किल दिखाता हूँ आप लोग को। अपग्रेड्स के अंदर जाएंगे ना हम लोग, नहीं अपग्रेड्स के अंदर में ही, हाँ ठीक अपग्रेड्स के अंदर में ही देखो ये बार्गेन का स्किल जो है ना वो नेगोशिएशन स्किल, ये $300 पे मेरा अनलॉक हो चुका है। मैं इसको भी परचेस कर लेता हूँ ताकि हम बार्गेन थोड़ा अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स में चलते हैं और ये पेपर रोल पे हम बार्गेन करते हैं। अबे बार्गेन यार मेरे से हट गया क्या, मैं एक बार मैं क्लिक करके शायद बाहर आ गया इसलिए बार्गेन हट गया वो। चलो तो जब तक मेटल वेटल बेचता हूँ मैं, मेटल बहुत सारे पड़े मेरे पास में। तो मेटल के रोल बनाने के लिए मेटल की मशीन चाहिए रहेगी जो कि अभी है नहीं मेरे पास में। और फ्रेश मेटल बेच सकता हूँ मैं 54, चलो इससे बार्गेन करते हैं हम लोग। $520 बोल रहा है ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई $250 से डायरेक्ट एकदम कम करेंगे $250। अरे कम क्यों करना भाई, मेरे को कम में क्यों दूंगा मैं, सॉरी फिर से गलती कर रहा हूँ मैं, मेरे को बढ़ा के बेचना है ना। $520 बोल रहा है ना, तो मैं $850 बोलता हूँ, $850 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं मानता है कि नहीं मानता $850 में। $527 बोल रहा है, नहीं 527 नहीं $750 बोलते हैं, $750 में खरीदेगा क्या मेरे से तू। हाँ इसको, इससे हम लोग खरीद रहे ना, $560 पे आया ये, $560 नहीं, एक काम कर $650 पे मान जा, चल $650 पे मान जा, थोड़ा बहुत फ़ायदा अपना भी होना चाहिए। एग्रेड, चलो $650 पे मान लिया। भाई मैंने इसमें दिन देखा ही नहीं, अच्छा एक दिन बचा हुआ है तो डील कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास में प्रेश मेटल अभी 16 है, 54 देना है। ठीक है, और एक आध देख लेते हैं, ग्लास का भी देख लेते हैं भाई। ग्लास के लिए अपने पास 36 है, 36 है और 48 है ना, ये 48 वाले को देखते हैं, $425 बोल रहा है, इससे बार्गेन करते हैं हम लोग। 520 ना तेरी ना मेरी, 520 में मान जा, मान जाए यार $4 का तो फर्क है, चलो मान गया ये। तो इससे भी मैं डील ले लेते हैं, और एक मिनट ये वाला था ना ये डील। ठीक है, तो दो चीज़ का मैंने ले लिया है, मेटल का है, ग्लास का है ना। अब धीरे से और एक ठोक ले लेते हैं, ये कौन सा है, ये है वुड का। 54 वाले से बार्गेन करते हैं, $413 बोल रहा है, मैं इसको 650 ही से ही स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक बढ़ता है ये। चलो फटाफट से बढ़ जाए, 460 में पहुँच गया ये, 460 नहीं $600। ठीक है $600 दे देगा भाई, जल्दी से दे दे। ठीक है 496 लास्ट बोल रहा है, एक काम करते हैं हम लोग $510 बोलते हैं, $510 $510 पे मानेगा। ठीक है चलो $510 पे मान गया, अपना बार्गेन स्किल अच्छा हो गया भाई, डील कर लेते हैं इससे भी। और प्लास्टिक के पे चल जाते हैं, प्लास्टिक अपने को $60 प्लास्टिक का ऑफर आया, तो 60 वाले से ही बार्गेन करते हैं, $499 बोल रहा है ये, 610 पे आया। ठीक है 610 पे आया ना, तो मैं 650 बोलता हूँ, चलो 650 मान जा प्लीज़ प्लीज़, 650 मान जा, ज़्यादा मगजमारी नहीं। ठीक है चलो 650 तक आप लोग इसको खींच लिए भाई। ठीक है तो 650 पे इसका डील हो गया। अपने पास में अभी कितने डील पड़े हैं, एक मेटल का है और दूसरा है ग्लास का और तीसरा है स्वीडस्ट है, चौथा है प्रेस्ड प्लास्टिक का। अब एक ठोक बच गया है पेपर का, तो पेपर रोल वाला है इसमें
30 पेपर रोल देना है अपने को, इससे बार्गेन करके देखते हैं, $804 देगा ना ये, तो इसको मैं और बढ़ाता हूँ, देखते हैं कितना दे सकता है ये, $1200 बोल के देखते हैं अपन, ठीक है $1200 बोलते हैं, 1200 सबसे पहला अपना 1200 वाला है, 1200 तक तो नहीं मानेगा, $1100 बोलता हूँ, $1100 $1100 $855 तक तो आ गया है, 860 पे आ गया है, 900 तक जाएगा कि नहीं जाएगा भाई ये, $1100 बोला था ना, तो $1000 बोल के देखते हैं अभी, चलो मान गया भाई $1000 मान गया ये, चलो इसको भी डील ले लेते, अरे इसको 3 दिन में देना है ना, चलो ठीक है। अपने पास में अभी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, तो सबसे पहले अपन मेटल वाले ही सॉर्ट करेंगे, मेटल का जो है वो काम कर लेते हैं, 16 kg अपने पास में है, 54 kg और देना है, मतलब 54 kg टोटल देना है, तो देखते हैं यहाँ पर मेटल ले जाते हैं और मेटल वाले मशीन में डाल देते हैं ब्रो, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये, और यहाँ पर कितना आ गया, 41 kg आ गया ना, 41 kg में मेरे ख्याल से हो तो जाना चाहिए, ये बन रहा है। और इसके बाद में अपने को ग्लास डस्ट है 25 अपने पास पड़े हुए, तो ग्लास वाला भी ले लेते हैं एक ठोक, ये ऊपर वाला ग्लास है 54 kg, इसको भी डाल के आता हूँ मैं इधर इसके मशीन में, ग्लास वाला मशीन पीछे साइड है भाई, ग्लास मशीन पीछे है, ठीक है यहाँ पर डाल देते हैं इसको, और इसको भी स्टार्ट करता हूँ मैं, एक मिनट पीछे से जान दो, ठीक है यहाँ से इसको, और कितना आ गया 54 kg आ गया ना, तो 54 kg इसको भी डाल के स्टार्ट कर लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने वाली है आज अपनी यहाँ पर, मैं धीरे धीरे हटाते भी जाऊँगा भाई, नहीं तो एक साथ में पूरा ना पैक हो जाएगा जगह, फिर जगह ही नहीं मिलेगा निकाल के ले जाने के लिए, ठीक है। तो भाई लोग यहाँ पर मेरे पास में 55 मेटल हो चुका है और ग्लास डस्ट 78 हो चुका है, मेरे को 48 ही देना था लेकिन 78 हो चुका है, तो अब हम एक काम करते हैं, स्वीडस्ट का भी अपना है, स्वीडस्ट वाला भी निकाल लेते हैं और स्वीडस्ट भी डाल के आते हैं भाई इधर से, जो लकड़ी का है वुड वाला ये भी डाल देते हैं, और इसमें टोटल कितना केजी हो जाएगा डालने दो पहले, और स्वीडस्ट के बाद में अपना प्लास्टिक वाला है, प्लास्टिक वाले भी डाल के आते हैं भाई, ये कौन सा है पेपर है ना, प्लास्टिक का ये है, चलो इसको उठाते हैं, 38 kg है और अपने को कितना देना है, 60 kg देना है भाई, प्लास्टिक प्रेस्ट वाला है ना, तो भाई प्लास्टिक अपने को शायद ज़्यादा लगेगा, एक और प्लास्टिक का डब्बा उठा के लेके आते हैं यहाँ से, और इसको बिठा के ले जाते हैं और डाल देते हैं अंदर, ठीक है यहाँ से डाल दिए इसको भी, दो ठोक हो गए प्लास्टिक, और मेरे को पेपर वाले भाई बहुत सारे लगेंगे, क्योंकि पेपर का अपने को पेपर रोल बनाने हैं भाई, पेपर रोल, इसीलिए पेपर बहुत सारे लगने वाले, पूरे पेपर में डाल देते हैं, काम करता हूँ मेरे पास जितने पेपर है ना सारा को डाल देता हूँ उठा के यहाँ से, ठीक है। तो अपना स्वीडस्ट का स्टार्ट करते हैं पहले, स्वीडस्ट अपने पास में कितना आया, 17 kg आया बस, बहुत कम है भाई, मेरे को देना कितना है स्वीडस्ट यहाँ पर, 54 kg देना, तो एक और स्वीडस्ट का डब्बा उठाना पड़ेगा मेरे को, एक मिनट रुक जाओ, 15 अपने पास में है पहले से, 54 देना, 43 हाँ चलो हो जाएगा अभी, इसका 43 निकाल लेते हैं, चलो ये निकलता रहेगा जब तक मैं जलता हूँ और दूसरे पे, और इसका प्लास्टिक वाले को कितना देना है अपने को, 60 देना है और 88 kg निकल रहा है भाई, बहुत है, मैं काम करता 60 ही डाल लेता हूँ भाई, 60 से ज़्यादा नहीं निकालते, बाद में निकालेंगे इसको, ठीक है 60 डाल दिया मैंने इसमें। और पेपर का भाई पेपर देख लेते हैं, पेपर कितना देना है अपने को, पेपर रोल देने अपने को 30, मतलब 2 kg का एक रोल बनता है, तो अपने को टोटल 60 kg निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो ठीक है अपने पास में 142 है, मैं काम करता हूँ इसको 60 kg कर लेता हूँ, और ये 60 kg का निकलता रहेगा और वो उधर जाके जमा भी होता जाएगा भाई धीरे धीरे। तो ठीक है भाई लोग, मेरे पास में यहाँ पर प्रेस्ड मेपल मेटल हो चुका है पूरा कंप्लीट, ग्लास डस्ट हो चुका है कंप्लीट, स्वीडस्ट हो चुका है कंप्लीट, और प्रेस्ड प्लास्टिक जो है वो भी हो चुका है कंप्लीट, बस अपने को पेपर रोल निकालना है, जो कि मेरे पास में 3 ऑलरेडी यहाँ पर बना चुका हूँ मैं, और बाकी के मेरे को बनाने हैं। तो यहाँ से हम आ जाते हैं इस मशीन पे, और यहाँ से हमारा जो है 30 पेपर रोल जो है वो बन जाएगा। ठीक है मैंने सारा कुछ डाला हुआ है, यहाँ से बस मशीन को स्टार्ट करना है और यहाँ से धीरे धीरे करके पेपर के रोल्स निकलते जाएंगे, और मैं इनको उठा उठा के इधर डालता जाता हूँ फटाफट से, और जल्दी जल्दी से काम कंप्लीट करते हैं भाई अपन। तो चलो भाई लोग, यहाँ पर मेरे पास में कंप्लीट हो चुका है, और भाई ये सब कुछ करते करते मेरे को पूरी रात हो चुकी है, तो फटाफट से मैं एक नींद मार के आता हूँ और फिर उसको सामान को जितने भी है सबको डिले, अबे प्लास्टिक भाई अभी अभी तुरंत मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि भाई 0 days बचा है उसका, मेरे को पूरा वो चल जाएगा भाई, प्लास्टिक का मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पर टेकन, और इसको मैं डिलीवर कर देता हूँ। चलो $650 भाई, पेंसिल पेपर वाला भी 0 दिन बचा है, एक मिनट पेंसिल पेपर का भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट में, पेंसिल पेपर टेकन
1000, चलो ये अपना 30 पेपर रोल्ड भी बिक गए हैं, $1,886 हो चुके हैं। और भी भाई सारे को बेच ही देते हैं जब अपने पास में हो चुका है, फिर उसके बाद में सो जाएंगे आराम से, क्या करेंगे। अब मेरे पास में क्या बचा, मेटल वाला बचा है ना, मेटल अपना कहाँ गया, ये रहा मेटल वाला, इसमें टेकन में $650 का ये था। और उसके बाद में ग्लास का है, ग्लास का भी अपने $550, फिर उसके बाद स्वीडस्ट का है, इसका भी $510। चलो तो सारा कुछ करते करते अपने पास में $3,566 हो गया, $3,566 हो चुके हैं। तो चलो अभी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हम चलते हैं और सो के आते हैं भाई अपना रूम के अंदर में, फटाफट से अपना कबाड़ी वाला रूम, इसमें सो जाते हैं हम। और हमारा आज का दिन जो है वो 13 डेज ख़त्म हो चुका है, हमारा 14 डेज जो स्टार्ट होने वाला है, और हम प्रॉफिट में चल रहे हैं $2,891 के। ठीक है, तो भाई लोग अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आ रहा है, यहाँ तक बने हुए हो और वीडियो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिल से, तो वीडियो को लाइक कर लेना। और चैनल पर नए हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो, तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं इसी तरीके के मज़ेदार गेम प्ले वीडियोज़ अपने चैनल पर एनी टाइम बनाते रहता हूँ। तो ठीक है, फटाफट से सब्सक्राइब करके रख लेना। और हाँ भाई लोग, तुम लोग को एक नॉलेज के लिए बता दूँ कि मेरे चैनल का जो है वो बहुत जल्दी 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके रखना। तो ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे और थोड़े बहुत ना मेरे को यहाँ पर अपना जो है अपग्रेड करना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि मैं एक लोन ले लूँ भाई, $3,000, $2,000 और $2,000 का यहाँ पर मेरे को लोन मिल रहा है। ये $3,000 वाला जो है उसको 13 दिन के अंदर में हमको पेमेंट का प्लान है जो वो है, डेली पेमेंट अपना $272 का कटेगा, इसमें $3,540 पूरे देने पड़ेंगे अपने को। तो ठीक है, मैं $3,000 ही ले लेता हूँ यहाँ से, बाय कर लेते हैं, तो अपने पास में हो जाएगा यहाँ पर $6,428 हो चुके हैं। और $6,428 में ना मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले स्टोरेज अपग्रेड करूँ या यही करना पड़ेगा भाई, और कोई तो ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो यही वाला एक अपग्रेड कर लेते हैं। चलो ये स्टोरेज 1 अपग्रेड कर लिया मैंने, और इसके बाद में अपना स्टेज 1 का ये खुला है मशीन वाला एरिया, और स्टेज 1 का जो है स्टोरेज एरिया और पार्किंग लॉट खुला हुआ है। तो ठीक है, ये मैं पहले देख के आता हूँ कितना बड़ा एरिया खुल गया है यहाँ पर, और यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा कुछ एडवांस में हुआ कि नहीं। अच्छा, ये जो एरिया है ना वो एक्स्ट्रा में आ गया यहाँ से, और इधर पीछे साइड का भी जो एरिया है वो भी आ गया है भाई, थोड़ा चौड़ा चौड़ा थोड़ा सा ना इधर का दोनों तरफ का एरिया बढ़ गया। ठीक है, अच्छी बात है। ये यहाँ क्या कर रहा है भाई, तू यहाँ क्यों फेंकाया हुआ है, तू जा इधर, एक मिनट इसके अंदर डाल दो। हाँ चल, चला गया। ये तो हो चुका अपने को, अब मशीन मंगा लेते हैं भाई। अब मशीन मंगानी है अपने को, जितनी बची हुई मशीनें हैं वो सारी मंगा लेता हूँ मैं। एक काम करते हैं, मशीन के अंदर चलते हैं। मैंने पेपर रोल वाली मशीन मंगा ली है, अब इसके बाद प्लास्टिक वाली मशीन $2,300 भाई, इतनी महंगी महंगी मशीनें क्यों है यार, मेरे को रोना आ जाएगा। तो प्लास्टिक वाला ही मैं मंगाता हूँ एक, बस $2,300 में, और $2,300 में ये मंगा लिया। और इसके बाद मैं वुड वाला मंगाऊँ या ना मंगाऊँ यार, बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है। $2,300 का तो सिर्फ प्लास्टिक वाले ही आ गया। $2,200 का अगर ये मंगाऊँ तो मैं आगे अपग्रेड कुछ नहीं कर पाऊँगा, और मेरे को मशीन वाला एरिया जो है ना उसमें थोड़ा सा अपग्रेड चाहिए। एक मिनट, अपग्रेड्स के अंदर में चलते हैं। नहीं, ये वाला अपग्रेड नहीं, फैक्ट्री के अंदर में, और मशीन एरिया में थोड़ा सा बढ़ाना है भाई मेरे को, $600 का इसको बढ़ा लेता हूँ, मशीन एरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो प्लास्टिक वाला वो लगा के देखते हैं कहाँ पर आ रहा है, कितना जगह घेरता है ये भी। ठीक है, यहाँ से अपन अभी प्लास्टिक का जो बॉटल्स है मेरे ख्याल से प्लास्टिक बॉटल्स वो सारे बना सकेंगे। चलो यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको बिल्ड कर लेते हैं, और ये पीछे से ऐसे ही लग जाएगा ना, यहाँ पर लग जाएगा, बस कनेक्ट हो गया ना ये। हाँ, कनेक्ट तो हो गया मेरे ख्याल से, और यहाँ से बाहर फेंक देगा। ठीक है, ठीक है, कनेक्ट हो चुका है प्लास्टिक वाला। और यहाँ पर भाई और भी मेटल और उसके लगाने पड़ेंगे मेरे को, मेरे को इसको हटा के ना यहाँ से हटा के इसको लगा लेता हूँ इधर सामने साइड से भाई, जगह तो बहुत हो गया अभी, और इसको थोड़ा सा घसका लेता हूँ इधर। ठीक है, ये इससे घसक गया और ये भी घसक जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा हल्का गैप दे देते हैं भाई, हल्का हल्का गैप बस। ठीक है, ठीक है, तो अपने पास में अभी पेपर रोल का भी हो गया है और प्लास्टिक के बॉटल का हो गया है। अभी अपने को वुड वाला मंगाना पड़ेगा और मेटल का, फिर उसके बाद ग्लास का, बहुत सारा मंगाना है मगर पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है। $2,928 बचे अपने पास में बस, और थोड़े बहुत अपग्रेड्स के अंदर में देखते हैं हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट्स तो नहीं देख रहा अभी मैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत कर लिए अपन लोग। अब इक्विपमेंट्स के अंदर मशीन के अंदर देख लेते हैं, मशीन तो वैसे हो चुका है, और इक्विपमेंट्स के अंदर में ये कैरी वाला हो चुका है,
लॉकपिक सब मैंने खरीद लिया था, क्रोबार भी खरीद लिया, अपग्रेड्स के अंदर मैं ये भी खरीद लिया भाई नेगोशिएशन वाला, और ये खरीद लिया था, और एडवांस शॉर्टिंग ये नहीं खुला अभी तक। लेवल 8 हम लोग रीच कर चुके हैं और लेवल 9 जल्दी हमारा खुलने वाला है। स्टाफ के अंदर में चलते हैं। हाँ, स्टाफ के अंदर में भाई ये जो लेवल 1 वाला है ना, इसको मैं वो कर देता हूँ, हटा देता हूँ, फायर कर देते हैं इसको, और $15 लेगा ये, और मैं ये इसको ना 3 स्टार वाला ये जो बंदा है ना, इसको हायर कर लेता हूँ भाई। ये डेली वेज 29 करेगा, शॉर्टिंग स्पीड इसकी 4 सेकंड की है, बहुत जल्दी शॉर्टिंग कर देगा ये। और ट्रैश कलेक्टर में अपना लेवल 9 में खुलेगा, और तो खुला नहीं है अभी। और ये असिस्टेंट जो है वो भी लेवल 10 में खुलने वाला, तो ये भी हम लोग अभी नहीं कर सकते। और मार्केट प्लेस के अंदर में ये सारी चीज़ें क्या है, प्लास्टिक, अच्छा ये बना बना के बेचने वाली है। तो ठीक है, अभी मेरे पास में और पैसे हैं, यहाँ पर $2000 है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक और मशीन मंगा लेता हूँ। इस बार मैं मंगाने वाला हूँ, मशीन के अंदर चलते हैं, और मैंने ये प्लास्टिक मंगा लिया ना, वुड मंगाना पड़ेगा, ग्लास मंगाना पड़ेगा। वुड वाला मंगाऊँ या ग्लास वाला मंगाऊँ, $2600 का है भाई, ग्लास वाला बहुत ज़्यादा महंगा है। और मेटल का भी $2600 का है, मेटल का ही खोल लेता हूँ, $2600 का मिलेगा मेटल, मेटल का खोल लेते हैं भाई। चलो चलो, $2600 के मैंने मेटल के भी मंगा लिए, और इसको भी लगा के देखते हैं भाई कैसा दिखता है ये भी। और मेरे पास में अभी $313 बचा है, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स अपने को वो वाले लेने पड़ेंगे अभी, जितना कचरा है सारा कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, तो इसको बिल्ड करते हैं हम, और मेटल का ये वाला है मेरे ख्याल से, हाँ यही वाला है ना मेटल, ये लग जाएगा इधर से ऐसा। चलो ये परफेक्ट फिट हो गया, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ना, फिट नहीं हुआ है। अच्छा ये इधर से, हाँ ठीक ठीक, इसका एरो दिखा रहा है अभी, अभी एरो दिखा रहा है। चलो ये लग जाएगा अब, अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है। ठीक है, इसको तो भी तो मैंने उल्टा नहीं लगा दिया कहीं, इसको देखूँ, हाँ ये उल्टा लग गया है, ग्रीन नहीं आ रहा। ठीक है, अब सही है, हाँ ठीक है, परफेक्ट। और इधर से थोड़ा सा चिपक के परफेक्ट लग गया। ठीक है, इसमें से आएगा, इधर से गिरेगा, और इधर से निकल के इधर चल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही लगा दिया मैंने, और $313 बचा है। और एक काम करते हैं हम लोग अभी ना, प्लास्टिक के रोल्स बना के देखते हैं, प्लास्टिक बॉटल और मेटल के दोनों बना के देखता हूँ मैं, मेरे पास में पड़ा तो होगा प्लास्टिक वैसे। और ये प्लास्टिक का बॉटल बनना स्टार्ट करेगा क्या, कैसे करेगा ये, अपने पास में 166 प्लास्टिक है, प्लास्टिक पैलेट्स बना रहा है ये, बॉटल्स नहीं बना रहा भाई। तो बॉटल्स कैसे बनेगा भाई, ये पैलेट्स बन रहा है प्लास्टिक के, तो बॉटल बनाने के लिए और कोई अपग्रेड करेगा। अरे ब्रो यार, ब्रो भाई भाई, गड़बड़े 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 कुछ तो गड़बड़े। पॉपुलेशन लेवल 12 के बाद में शायद ये सारे खुलेंगे ना। ओहो भाई, बॉटल बनाने वाले तो 12 के बाद में ही खुलेंगे, उससे पहले नहीं खुल रहे। तो अभी मैं सिर्फ प्लास्टिक ही बना सकता हूँ, प्लास्टिक के पैलेट्स बना सकते हैं, ऐसा करके कुछ दिया है, बोरा टाइप का कुछ है। ठीक है छोड़ो, यहाँ से जो बन रहा है वो बनाते हैं पहले। एक काम करते हैं, 166 केजी है ना, 166 डाल देते हैं, 166 जाएगा, नहीं 100 ही जा रहा है लास्ट, 100 गया, अब यहाँ पर 66। चलो ये हो जाएगा, स्टॉप नहीं करना था यार, एक मिनट रन कर लो। चलो ये बन रहा है, अब इसके बाद में अपने को कितना बनाना है, ये ऐसे ही बना के देखना है बस अभी। 3 केजी है, 2 केजी का एक बैग बनेगा सिर्फ, है ना, एक बैग ही बना के देखता है भाई। चलो ये बन के निकला, प्लास्टिक के पैकेट निकल गया, ये क्या है, प्लास्टिक पैलेट है। अब इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लास्टिक का चूरा जैसे है भाई कुछ, इसको उसको भी कुछ करना पड़ेगा शायद। मेटल का देखते हैं, मेटल वाला, मेटल का क्या है हिसाब किताब। अब ये क्या बना के देगा अपने को, यहाँ से थोड़ा सा बाहर जान दो। ठीक है, ये अपने को आयरन बना के देगा भाई, मेटल के आयरन बना के दे रहा है ये। और मेटल आयरन कितने हैं, ये 2 केजी में एक आयरन बनेगा। ठीक है, एक ठोक बनाते हैं और देखते हैं भाई मेटल इनगट कैसा बनता है। आंदो आंदो आंदो, मेटल इनगट भाई ऐसा लोहा बन रहा है। अब इसके बाद अपने को ना जो अगली मशीनें आएंगी शायद उनसे प्लास्टिक के शायद बना सकते हैं हम लोग कुछ कुछ चीज़ें। चलो $450 मान गया है ये, और मेरे पास में है, मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। तो मैं प्लास्टिक निकाल के आता हूँ यहाँ से। अबे ये डायरेक्ट जाए जा रहा है क्या इसमें, ओ भाई ये तो प्लास्टिक पूरी जले जा रही है अपनी। एक मिनट, स्टॉप करने दे, स्टॉप कर। तो इसको मैं, मेरे को अलग करना होगा, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा इसको मेरे को। शिट ब्रो, हटाना पड़ेगा मशीन को, यहाँ से दूर कर लेता हूँ मशीन, इधर रख लेता हूँ।
ठीक है, अब निकलेगा, अब प्लास्टिक निकल जाएगा, कितना प्लास्टिक निकालना है अपनेगा। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को ना 48 प्लास्टिक निकालने, और मेरे पास में 82 है, 48 निकालने, 48 प्लास्टिक निकाल लेता हूँ। चलो इधर से चल जा अंदर, और ये बंद भाई, आयरन का आयरन इंगट बन जाएगा पूरा, एक मिनट रुक जा भाई 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 भाई, आयरन पूरे इंगट बन जाएंगे, रुक जा तू, स्टॉप कर ले प्लीज़, अभी मेरे को इंगट नहीं बनाने आयरन के, इसको भी मशीन को पीछे करना पड़ेगा, अपने को पीछे लगाना पड़ेगा, बस यहाँ पर। ओ भाई गड़बड़ चल रही है, गड़बड़ घोटाला चल रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको फेंक देते हैं यहाँ, और ये प्लास्टिक की बोरी को भी इधर फेंक देता हूँ मैं। ठीक है, अब अपना बन जाएगा प्लास्टिक वाला, जितना देने हैं उतने। तो ठीक है भाई लोग, यहाँ पर मेरे पास में टोटल सामान हो चुका है, प्लास्टिक भी हो चुकी है, यहाँ पर 51 kg हो चुका है प्लास्टिक का, और प्रेस्ड मेटल का हो चुका है 55 kg, मेरे को 54 ही देना था। तो चलो मैं इसको कंप्लीट करके आता हूँ फटाफट से डील को, और मेरे पास में थोड़े बहुत पैसे हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स में चलते हैं टेकन, और ये $700 इसके मिल गए अपने को, और प्लास्टिक वाले में चलते हैं, इसका डिलीवर कर देते हैं $450। ठीक है, तो 1000 इसके साथ में मेरा लेवल अप भी हो चुका है, और मेरे पास में 9, हमारा जो शॉप का रेपुटेशन लेवल है वो 9 लेवल का हो चुका है, और इसके साथ में मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें अनलॉक हुई है, दिखा देता हूँ मैं। इसमें चलेंगे अपना, तो ये वाला तो खुला हुआ है, इसको मेरे को लगाना है अभी, और साथ ही साथ में इक्विपमेंट्स के अंदर में और कुछ नहीं खुला है, मशीन के अंदर में भी कुछ नहीं, मशीन के अंदर में तो अभी फिलहाल कुछ नहीं खुला होगा, लेवल 12 में खुलेगा। अपग्रेड्स के अंदर में दिखाता हूँ मैं क्या क्या खुला है। देखो अपग्रेड्स के अंदर में हम लोग जो ये कैरी 1 वाला जो खुला था वो उसके हट के, और कैरी 2 वाला खुल गया ये, लेकिन भाई $1250 का है, मैं इसको अगले एपिसोड में करूँगा, इस एपिसोड में नहीं करने वाला। इसमें मैं 15 kg उठा सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से इसमें मैं 30 kg समथिंग उठा सकूँगा, ऐसे ही कुछ होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग इक्विपमेंट्स में चलते हैं, और इसको भाई रिसाइकल कंटेनर है, इसको $850 का, इसको बाय कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और अपना रिसाइकल कंटेनर जो है वो कहाँ पर लगा है। अच्छा बॉक्स आया ना, इसका बॉक्स कहाँ पर लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ लगा सकते हैं क्या, बी से बिल्ड, ओके, तो इसी जगह पे प्लेस कर सकते हैं हम लोग अपना रिसाइकल कंटेनर। और ये अच्छा, इसका ग्रीन मार्क यहीं पे आ रहा है, यहीं लगा सकते हैं अपन लोग। अरे भाई इधर से थोड़ा सा आ जा, हाँ भाई बस बस बस, चलो किनारे चिपका के, बस परफेक्ट, ये अपना रिसाइकल कंटेनर हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें जो पड़ोसी लोग हैं ना, उन लोग शायद आके कचरा वचरा फेंक के जाएंगे, ऐसी कुछ रहेगा शायद। तो ठीक है, आज हमारा बहुत सारा काम हो चुका है, हम लोग बहुत सारी मशीनें खरीदे हैं, ये मेल्टिंग मशीन 2-3 खरीदा हूँ, जो कि मेरे किसी काम के अभी फ़िलहाल तो नहीं है, आगे चल के काम में आएंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में भाई हम लोग 2-3 और वर्कर हायर करेंगे, वैसे 9वें लेवल में पहुँच चुका हूँ मैं, वर्कर तो खुल चुके होंगे हमारे, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। वर्कर्स के अंदर में चलते हैं, स्टाफ के अंदर में, और ट्रैश कलेक्टर अपने पास में और 2 बंदे खुल चुके हैं, शॉर्टिंग में अपने पास में 1 ही बंदा है अभी फिलहाल, ट्रैश कलेक्टर खुल चुका है, असिस्टेंट अपना लेवल 10 में खुलेगा। आज के लिए बस इतना ही, अब वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, अगला एपिसोड देखने के लिए भाई जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना। चलो ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। म्यूजिक चरस रंगा मेरे को प्यारा, चरस रंगा मेरे को प्यारा, फुकू मैं सुबह शाम रात को दिन, मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर, मत कर, मत कर, पता है।